हाँ दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं शत्रुघ्न प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं अपने छत पर हूँ और ये जो देख रहे हैं ये मतलब हम बनाए थे, क्योंकि हमारा छत नहीं कंप्लीट होता तो इसलिए हम बनाए थे, क्योंकि हमारे पास भैंस वैंस है तो मतलब बारिश वारिश होती है ना, ठंडी में बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इसलिए बचने के लिए हमने ऊपर ही मतलब एक छपरा छा कर रख दिया था ताकि हमारी भैंस सुरक्षित रहें, ठंड में बच सकें। तो अब मतलब गर्मी होने लगी है तो अब हमें छत डलाना है, तो इसको हम उजार रहे हैं। अभी सेटरिंग वाला आएगा तो इसको हम उजार दे रहे हैं, इसको हम उजारने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार छाए थे, हम ही अकेले छाए हुए थे इसको, तो मैं इसे उजार रहा हूँ। ये दोनों कमरा है, देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार हम छाए थे, मतलब ऐसे रखकर और फिर कहना है ऊपर से पाती ये है मतलब बिछा दिए थे, और अब इसको उजार रहे हैं। डर बहुत लग रहा है कि नीचे न घुस जाए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। देख सकते हैं कितना मतलब लकड़ी उकड़ी लगा के हम बांधे थे, बहुत मतलब लकड़ी उकड़ी लगा के बांध दिए थे, बहुत मजबूत बांधे थे। फिर ऊपर से पल्ली इस पर मतलब पसार दिए थे कि पानी चुए ना, बाई चांस अगर चुने लगे बांध दिए थे। और उधर हमारा ये कमरा है, एक कमरा ये है, एक कमरा उधर है, और उधर बरामदा है। देख सकते हैं कितना मजबूत हम बांधे थे। और हमारा घर मतलब दो जगह है, ये हम नया बनवाए हैं। आज का तो चिपक लगाया है, नए बंद होते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर बोल रहे हैं दोस्तों, कर इधर बोल रहे हैं। अभी इसको खोल उधर ही, तब भेज सकते हैं। ये खोल क्यों रहे हैं बता रहे हैं अभी आपको, ये खोल इस रहे हैं कि ये जो पैरा है यहाँ का नीचे ही गिरा, फिर इसको जला देंगे, इसलिए इसको खोल रहे हैं उधर से सारा पैरा ला कर मतलब गिरा दें नीचे, झोंक दिया जाएगा। इधर देख लेते कहीं जगह नहीं गिराने वाला, पूरा हमने कमरा ही बंद कर दिया है, बिल्कुल समझ लो कि छत की तरह, कहीं गिराने की जगह नहीं है, तो इसलिए इसको खोल रहे हैं और खोल करके नीचे ही गिरा देंगे। और नीचे गिरने के बाद में इसको अभी जला देंगे, समझ लो आज ही होली होगी। कहा कर तुम्हारे मुड़ो बहाओ तो लाओ लाद दूर मुड़ो पे छोटे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ, अद्भुत चीज़, जिसे देखकर आपके होश भी जाएंगे, आपको हमने कभी देखा है नहीं देखा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये मतलब पूरा पाती गिर चुका है, जो मतलब इसको पसारा हुआ था, अब इसका लकड़ी लकड़ी बचा है, उसको भी गिराने का काम हो रहा है। इसको कितने बहुत बांधे थे और आप लोग को पता नहीं होगा इसे मतलब बांधने में और क्या कहते हैं इतना काम करने में 2 दिन लगा हुआ था, और उजारने में तो 10 मिनट कुल लगा है। देख सकते हैं देर बहुत लग रहा है, बस थोड़ा ही काम बचा है, बाकी तो काम खत्म हो गया। दोस्तों अभी इसको हम जलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, समझिए एक होली की तरह जलाएंगे। अभी इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर ले, लकड़ी निकाल ले से। तो लकड़ी को रखा रखा लकड़ी, देख सकते हैं
ये अपना ही काम है और अपना काम करने में बहुत आनंद आता है। देख सकते बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और इसको फिर भी फिनिश कर है पूरा। गिरी है पूरा कठिन रूप से गिरी है लेकिन इतना